नमस्कार, स्वागत है आपका अलाइव 24 न्यूज में। अंसल एपीआई के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी के केस में यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह पर सीओ कैंट को धमकाने का आरोप है। सोशल मीडिया पर स्वाति सिंह और सीओ की बातचीत का कथित ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहा है। अलाइव 24 के संवाददाता राजन सिंह द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ऑडियो वायरल होने के बाद सीएम ने संज्ञान लेते हुए मंत्री स्वाति सिंह को फटकार लगाई है, तो वहीं डीजीपी ने पूरे मामले की जांच लखनऊ एसएसपी कला निधि को सौंपी है। वीडियो क्लिप को सुना है और देखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आया है और उन्होंने मुझसे अपेक्षा की है कि मैं इसकी पूरी रिपोर्ट एसएसपी लखनऊ से लूँ। मैंने एसएसपी लखनऊ को निर्देशित किया है कि पूरे तथ्यों की पूरी जो रिपोर्ट है वो हमें दे दें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सबमिट कर सर। क्या अभी तक साफ हो पाया है कि ये लीक कहाँ से हुआ, क्योंकि दोनों की बात है, क्या सीओ कैंट की तरफ से हुआ या कहीं और? ये एसएसपी लखनऊ इस रिपोर्ट पे बताएंगे कि क्या क्या इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है और कैसे ये हुआ है, किसने लीक किया है, ये सब उनकी रिपोर्ट। अब उनके रिपोर्ट के आने का हमको इंतजार है, उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कार्रवाई की जा सकती है या क्या इसका। एक एफआईआर दर्ज हुई है, अब मुझे ये नहीं मालूम है कि किसकी एफआईआर है, लेकिन एक एफआईआर दर्ज हुई है और वो शायद जांच के आधार पे हुई है, लेकिन अभी मैं पूरे तथ्यों से वाकिफ नहीं हूँ। एसएसपी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि शायद सीओ कैंट का अंसल में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसके चलते ये दबाव बनाने की कोशिश थी, क्या अभी तक कुछ ऐसा प्रॉपर्टी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इस ऑडियो की कोई फोरेंसिक जांच नहीं कराई। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।